सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे थे और इस हाई से ये करीब 7% तक टूट चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस गिरावट को निवेश के सुनहरे मौके के तौर पर देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में बात करें तो इसने 20 साल में निवेशकों को करोड़पति तो बनाया ही है, शॉर्ट टर्म में भी फटाफट 5 महीने में ही 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक जेके लक्ष्मी सीमेंट को सीमेंट की बढ़ती मांग से तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में मौजूदा लेवल पर निवेश कर 17% से ज्यादा मुनाफा कूट सकते हैं। इसके शेयर आज BSE पर 1.41% की बढ़त के साथ 851.85 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर 28 नवंबर 2003 को महज 6.99 रुपए में मिल रहे थे, अब ये 851.85 रुपए पर है, यानी कि महज 20 साल में इसने निवेशकों को 83,000 रुपए के निवेश पर करोड़पति बना दिया। जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर सिर्फ लॉन्ग ही नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में भी धमाल मचा रहे हैं। 31 जुलाई 2023 को ये एक साल के निचले स्तर 608.10 रुपए पर था। इस लेवल से 5 महीने में ही ये 50% से ज्यादा उछलकर 14 दिसंबर 2023 को 915.35 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इस लेवल से फिलहाल ये करीब 7% डाउनसाइड है। सरकार जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है उससे सीमेंट की मांग बेतहाशा बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ रही है, निजी कंपनियां खर्च बढ़ा रही हैं और इंडिविजुअल भी अपने घर तेजी से तैयार कर रहे हैं। इन सबके चलते सीमेंट की मांग बढ़ेगी जिससे जेके लक्ष्मी सीमेंट के कारोबार को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है और कई रणनीतिक फैसले ले रही है जिससे इसका एबिटेडा प्रति टन सुधर कर वित्त वर्ष 2025 में 900 रुपए और वित्त वर्ष 2026 में 970 रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है। अभी ये आंकड़ा 700 रुपए पर है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस डायरेक्ट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2026 के बीच इसका रेवेन्यू सालाना 10%, नेट प्रॉफिट 26% और एबिटेडा भी 24% की चक्रवर्ती दर यानी CAGR से बढ़ेगा। इन सब बातों को देखते हुए ब्रोकरेज ने इसे 1,000 रुपए के टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग दी है।